युट्यूबला जातात ना मग आपला बरं अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा गॉड स्पीक्स भाग दोन इनिशियल अर्ज अँड जर्नी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस. पहला जो भाग था उसमें हमने देखा चेतने का विकास की चेतना कैसी आगे बढ़ती है उसके बारे में बाबा ने बताया था. वो भाग नंबर एक में था चेतने का विकास. दूसरा जो भाग है पार्ट टू इनिशियल अर्ज एंड जर्नी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस. तो फिर वहाँ बाबा कहते हैं लेट अस नाउ थिंक ऑफ वन अनकॉन्शियस सेल वन कॉन्शियस सोल. ये डायग्राम में अभी यही दिखाया है कि यह परमात्मा है गॉड है. ये इसको बाबा हमेशा महासागर करके बाबा ने उसको संबोधित किया और उसमें यह एक सोल है आत्मा है. ये वन सोल महासागर में करोड़ों करोड़ों गिन नहीं सकते कितने सोल होंगे पर ये इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस को समझाते हुए उन्होंने ये बताया कि यह एक आत्मा जो है इसकी चेतना कैसे आगे बढ़ती जाती है स्लोली स्लोली स्लोली. वो कहते हैं कि इन द बिगिनिंग द सोल हैड नो इम्प्रेशंस. यह जो आत्मा जो है इसको इनिशियली जब भी इसको कोई भी चेतना इसके संस्कार नहीं थे और संस्कार अगर नहीं होंगे तो चेतना नहीं होती है कॉन्शियसनेस नहीं होती है. संस्कार के वजह से ही चेतने का विकास होता है और इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए इस स्थिति में इस अवस्था में यह जो आत्मा जो यहाँ निकाला है अचेतन दिखाया है यह ना इसको सूक्ष्म स्थूल शरीर था जैसे अपने को है ना इसको सूक्ष्म शरीर था और ना ही उसको कारण शरीर था. क्योंकि स्थूल शरीर स्थूल सूक्ष्म और मनोसंस्कारों के अस्तित्व से ही स्थूल संस्कार होंगे तो स्थूल शरीर होगा सूक्ष्म संस्कार होगे तो सूक्ष्म शरीर होगा कारण संस्कार होगे तो कारण शरीर होगा. हमने लास्ट जो है स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमने देखा चेतना की निरनिराड़ी अवस्थाएं जो भाग नंबर एक में हमने डिटेल में उसका वर्णन किया अभी हम उसको दोहराएंगे नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग. और इसीलिए इन संस्कारों के वजह से ही स्थूल सूक्ष्म और कारण अस्तित्व कारण शरीरों का अस्तित्व होता है. पत्थर के अंदर में सिर्फ स्थूल शरीर है कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं है इसीलिए पत्थर एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकता है क्योंकि उसमें दोनों शरीर नहीं हैं. वनस्पति के अंदर में कारण शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर भी थोड़ा थोड़ा डेवलप उसके अंदर में होता है इसीलिए पेड़ जो है वो अपने हिलते रहते हैं पर एक जगह से दूसरी जगह वो भी नहीं जा सकते. और इसीलिए अगर हमको इस आत्मा को अगर स्थूल शरीर भी नहीं सूक्ष्म शरीर भी नहीं कारण शरीर भी नहीं तो वो सृष्टि का अनुभव कैसे लेगा नहीं लेगा. और इसीलिए उसको हम लोगों को आदमी को तीनों भुवनों का अनुभव हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हमको तीनों शरीर है. हम साधारण आदमी स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो है पहले प्लेन से लेके चौथे प्लेन तक जो है तीसरे प्लेन तक
वो सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं, उसके आगे वली पीर जो है संत महापुरुष और संत जो है वो कारण जगत का अनुभव लेते हैं, कोई अन्न भुवन, हम लोग अन्न भुवन का अनुभव लेते हैं, प्राण भुवन और मनोभुवन का अनुभव लेते हैं। वो लोग मनुष्य ले सकता है, बाकी कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें चेतना पूरी डेवलप हो गई है, तीनों शरीर हमारे इसमें डेवलप हो गए, इसलिए इस विश्व का तीनों जगतों का अनुभव हमें मालूम होता है, इसका अनुभव हम लोग ले सकते हैं। ये मेरे बाबा ने क्यों समझाया इतना? इसलिए कि हम किधर से आए, किधर गए। हमारा ये संस्कार का जो गणित जो है, पत्थर योनि से लेके मानव योनि तक जो संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं, वो हमको नष्ट करना है। जब तक वो नष्ट नहीं होंगे, जब तक यह आत्मा संस्कारों से संस्कार लेस नहीं होगा, तब तक उसको मैं परमात्मा हूँ या मोक्ष मुक्ति मिल ही नहीं सकता। इसलिए हम किसी भी महाराज के पास में जाएंगे तो वो पहले हम लोग को अपने आप को तैयार करना है। सद्गुरु के पास जाके बैठने के लिए हमको अपने तैयारी चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना है तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो अपनी तैयारी होगी कैसे जब हमको मालूम ही नहीं कि हम कौन है, हम किधर से आए, हमको क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं मालूम। वो जमाना था जहाँ पे सद्गुरु और अवतार और बाकी के साधु संत लोगों को उस प्रकार से जैसी परिस्थिति थी उस अनुरूप वो उनको सिखाते थे, बताते थे कि भाई आप ये करो, पर ये नहीं बताते थे जो अभी मेहर बाबा ने जो डिटेल वर्णन किया है वो नहीं बताते। पर कभी कभी सद्गुरु और अवतार अपने क्लोज मंडली है जिनको थोड़ा ज्ञान है उनको शायद उन्होंने बताया होगा। अब वो क्या बताया होगा ये मालूम नहीं, पर शायद कुछ ना कुछ तो जरूर बताया होगा। और इसीलिए आगे प्रारंभ में मतलब शुरुआती के अंदर में आत्मा की स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों की चेतना न थी और उसको खुद की भी चेतना नहीं थी और उसको परमात्मा की भी चेतना नहीं थी। इस महासागर के अंदर में जब तक ये आत्मा इस महासागर में है तब तक उसको ना स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर की ना उसको चेतना थी, ना उसको संस्कार थे, ना उसको ये मालूम था कि मैं कौन हूँ, उसको खुद की भी चेतना नहीं थी। और तब आत्मा को ना तीनों जगत का अनुभव था, ना स्थूल जगत सूक्ष्म जगत कारण जगत का अनुभव था और ना ही परमात्मा का अनुभव था। सबको परमात्मा का अनुभव करना है, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्यों 84 लाख सब लोग बोलते हैं 84 लाख, अरे भाई इतने क्यों लगते हैं भैया, इससे कम क्यों नहीं हो सकते? कम हो सकते हैं कभी अगर हम किसी सद्गुरु और अवतार से जुड़े हैं तो। कई लोग हैं ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है, कई लोग हैं जो हम लोगों ने भी देखे, आपने भी देखे हैं कि जो जिनकी एक ही इच्छा है और वो है गॉड रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। और वो लगन वो तड़प जिसके पास है उसको ये जगत की कोई चिंता नहीं है। मस्त लोग कैसे होते हैं उनको किसी की चिंता नहीं है, ये दुनिया रहे या है या नहीं है इसे कोई नहीं, वो सिर्फ परमात्मा से प्रेम करने में डूबे हुए हैं, परमात्मा के प्रेम में ही उनको आनंद मिलता है और वो उन्हीं के ख्याल में रहते हैं। ना उनको कोई खाना किसी ने दे दिया तो खाना खाते हैं, नहीं दिया तो नहीं खाते, दो चार चार महीने वो ऐसे ही रहते हैं। पर उनका पालन पोषण कौन करता है? परमात्मा करता है। बावलते मैं उनका पालन पोषण करता हूँ, मेरी नज़र रहती है उनके ऊपर में, साधु संत ऋषि मुनि महाराज जितने भी होंगे। और इसीलिए आत्मा को इनिशियली ना खुद की चेतना है, ना परमात्मा की है, ना इस जगत की है, ना किसी की है। ये बाबा समझा रहे स्टार्टिंग में, शुरू में क्या घटित हुआ वहाँ से वो उन्होंने अपना चालू किया हुआ है। और इसीलिए
आत्मा की इस अनंत संस्कार रहित, ये आत्मा कैसा है? इनिशियली अनंत है, इनफाइनाइट है, संस्कार लेस है, अचैतन्य है, शांत है। और इस महासागर में, ये महासागर देखो यहाँ दिखा, ओशन महासागर मतलब गॉड, गॉड कैसा है? महासागर, गॉड का अस्तित्व कैसे है? इस महासागर ओशन कि जिसका कोई किनारा नहीं है, इसका मतलब आप हम समझ जाएंगे कि वो कैसा होगा। मेरे को हमेशा ये प्रॉब्लम सताता था कि ये सब सद्गुरु परमात्मा के ही गुण क्यों गा रहे, और ये तो खुद ही परमात्मा है, तो ये परमात्मा के क्यों गुण गाते हैं? तो उसका उत्तर ये लॉर्ड मेहर में मिलता है। वाई गॉड? कि हम भी वही है ये जाण्यू अपने को नहीं है, सद्गुरु को वो जाण्यू है, वो सद्गुरु परमात्मा से एक है, देयर इज नो डाउट। जो अधिकार अवतार को है, जो सद्गुरु को है, सद्गुरु अपनी एक अनेक और एक अपना विश्व निर्माण कर सकते हैं, इतनी उनकी ताकत है, उनकी एबिलिटी है, पर इसके बावजूद भी वो परमात्मा के गुण क्यों गाते भाई? क्योंकि गॉड अलोन एग्जिस्ट, परमात्मा के सिवा और किसी को अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्टेंस। हम सारे के सारे भ्रम के अंदर में हैं, माया के अंदर में हैं, हम सारे के सारे इल्यूजन में हैं, और हमको ये मालूम नहीं है कि हम किधर से आए और हमको किधर जाना है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। पर जो कोई सद्गुरु के अवतार के पास जाते हैं उनको वो ज्ञान मिलता है, देयर इज नो डाउट। और इसीलिए इस महासागर के अंदर में जब ये शांत था, परमात्मा यहाँ दिखाया है, देखो गॉड अचेतन करके लिखा हुआ है, अनकॉन्शियस गॉड। और बाद में मैंने जो डायग्राम पहले निकाले थे इसमें दिखाया था कॉन्शियस गॉड, मतलब सद्गुरु है वो कॉन्शियस गॉड है, जो गॉड रियलाइज्ड है उनको परमात्मा क्या है, उनका उनका ज्ञान है, उनको मैं अनंत हूँ, उनको ऐसा ज्ञान होता है। और इसीलिए यह जो लहर जो है, जिसको वीम जो कहते हैं, वीम आई ये लहर, जिसको इसीलिए इसका हेडिंग क्या दिए उन्होंने चैप्टर का जो है, वो इनिशियल अर्ज एंड द जर्नी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस। ये पहली लहर जो थी, ये पहली लहर ने इस महासागर के अंदर में, यह प्रथम लहर जो है वह परमात्मा के अंदर में ही अंतर्निहित थी, परमात्मा के अंदर ही थी, भाई बाहर नहीं थी, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है। परमात्मा मतलब वो आकाश के अंदर में कोई बैठा हुआ है एक आधा महाराज, और वो तथास्तु बोलता है, ऐसे नहीं है, वो कल्पना छोड़ दो, वो अभी आउटडेटेड हो गई है सब। बार बार सारे सद्गुरु ये क्यों कहते हैं कि अपने अंदर में देखो, अपने अंदर में देखो, अपने अंदर देखो, क्यों कहते हो अंदर में देखो? वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, बराबर है। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड जो है वो माया है, रियलिटी है। लास्ट जो मैंने फिगर निकाली थी उसमें मैंने बताया था कि आगे चलेंगे तभी फिर से निकालेंगे उसको। और इसीलिए सारा का सारा, तीनों भुवन जितने भी है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी देवी देवता यूं त्यों जितने भी है, वो सारे के सारे इसी में है, इस महासागर के अंदर में, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, कोई रियलिटी कहता है, कोई ट्रूथ को बताते हैं, कभी अनंत चेतना उसको कहा जाता है, अनेक नाम से उसको पुकारा जाता है, अनेक नाम, पर है वो एक। और वो है हमारा अपना रियल एग्जिस्टेंस, शाश्वत अनंत अस्तित्व, मतलब परमात्मा, मतलब गॉड, मतलब रियलिटी, ट्रूथ, बाकी के सब नाम जो दिए हैं उसको। क्योंकि अलग अलग तरीके से वो अलग अलग युगों के अंदर में परमात्मा ने, मतलब अवतार ने उनको समझाया है, मानव जाति को जैसी तभी परिस्थिति थी उसके मुताबिक। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो परिस्थिति आज है, आज की परिस्थिति अत्यंत डिफरेंट है।
हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर में जो घटित हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जो घटित हो रहा है उसकी हमको कल्पना है सभी को, तो उसके मुताबिक वो परमात्मा हमको ज्ञान देता है जितनी हमारी बुद्धि है उसको मालूम है। और इसीलिए यह जो लहर जो है, यह महासागर जो है या जो आत्मा जो है, जो शुरुआत में अनंत था, देयर इज नो डाउट, संस्कार रहित था, वह अचैतन्य था, कॉन्शियस अनकॉन्शियस था, और शांत अवस्था के अंदर में कि वह उस महासागर में कोई हलचल नहीं है, ऐसी स्थिति में जो लहर पैदा हो गई, जो विम पैदा हो गई, इस प्रथम लहर ने आत्मा में साथ साथ परमात्मा में यह खुद को जानने की इच्छा, खुद को जानने की यह प्रथम लहर इस आत्मा के अंदर में निर्माण हुई इस लहर के वजह से। और वो अकेले आत्मा में नहीं हुई, ये महासागर में जितने भी आत्मा है उन सारे आत्माओं के अंदर में यह लहर पैदा, यह लहर जो उठी वो लहर थी मैं कौन हूँ, हु एम आई। और आगे, और इसीलिए ये लहर इस परमात्मा के अंदर में अंतर्निहित है, थी और रहेगी, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो भी है यहाँ, जो भी डायग्राम मैं निकालूँगा वो सारी इस सारी की सारी इस परमात्मा के गॉड की छाया है, इट्स जस्ट ए शैडो, बाकी कुछ नहीं है। अनंत काल के बाद में ये नष्ट हो जाएगा, अनंत काल के बाद ये फिर से एक लहर आएगी, फिर ये विश्व निर्माण होगा, फिर वो ख़त्म होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं महाप्रलय, हमारे इसमें बोलते हैं, अनेक धर्म में अनेक नाम उसको दिए हुए, अनेक अनेक नाम से उनको बताया जाता है। और इसीलिए भाव बोलते कि जब हम इस परमात्मा की तुलना, अभी तो पहले उन्होंने आत्मा का लिया था, अभी वो ले रहे परमात्मा का, जब हम परमात्मा की तुलना अनंत अपरिमित महासागर से करते हैं, और वो है भी वैसे, हम ये सारा का सारा हमको ये समझाने के लिए कि भाई व्हाट इज़ गॉड, गॉड कैसा है, निराकार है, निर्गुण है, जिसका वर्णन हम अपने प्रार्थना में करते हैं, व्हाट इज़ गॉड, तो उससे हमें कोई कल्पना तो आती नहीं, समझ में नहीं आता है। अब वो निराकार है तो करता क्या है फिर, वो ये तो दिमाग तो पूछेगा ना, भाई निराकार है तो उसका काम क्या है फिर, निराकार है तो क्या वो निराकार ही रहता है क्या हमेशा, वो आता है कि नहीं आता है धरती पे, वो कैसे आता है, क्यों आता है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन है वो मेहर बाबा ने अब के बार अपने डिस्कोर्सेस में सब दे दिया है। क्योंकि उनको मालूम था कि 200 300 400 500 साल के बाद में लोग ये सवाल पूछेंगे, और नहीं तो बाबा खुद ये पूछते थे कि मैंने अपना शरीर छोड़ने के बाद में लोग तुमसे पूछेंगे हु इज मेहर बाबा, तो क्या जवाब दोगे। तो सब लोगों ने अपना अपना ब्रेन चलाया, बोलते कोई बोले आप अनंत थे, ये थे, आपने ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया, सब सब सब, वो बाबा बोलते इसमें से एक भी मेरे को सैटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि अमेरिका के अंदर में जब भी कुछ प्रोग्राम हो गया तो सभी लोग वहाँ पे जो आते थे, अब अमेरिकन लोग वो थोड़ी ऐसे मानने वाले हैं कि ये महाराजा इसको नमस्कार करो, वो बोलते तुम ही करो मैं नहीं करूँगा, तो बोलते हु इज ही, वो कौन है। तो बाबा ने सबका आंसर सुनने के बाद बाबा बोलते हैं कि आई एम दैट हु प्रोवोक्स यू दिस टू प्रोवोक्स यू टू आस्क दिस क्वेश्चन दैट हु इज मेहर बाबा, इट इज आई हु प्रोवोक यू टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये उनका आंसर था, मतलब आई एम दैट। और ये आंसर जब भी सुना तो सब लोग दंग रह गए,
क्योंकि ये तो मालूम नहीं है अपने को, ये तो पहली बार हमने भी पहली बार सुना वो इसी। और इसीलिए जब परमात्मा की तुलना, पावन कहते कि ये परमात्मा जो है इनकी तुलना, जब भी हम एक अनंत असीमित अमर्याद ऐसे श्योरलेस ओशन से जब भी हम उसकी तुलना करते हैं परमात्मा की, और इस स्थिति में ऐसे परमात्मा में जब ये लहर उठती है तो उसकी तुलना किसी शब्दों के द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अनंत असीमित अमर्यादित ऐसा जो महासागर है, यह लहर उसका जो तरंग है ऊपर का सरफेस है उसके अंदर में उठी हुई है, यह विम जो है वो उसमें उठी हुई है, लहर अथवा तरंग जो है वो महासागर के सरफेस के ऊपर में वो लहर उठी, और यह लहर उस अनंत में थी। महासागर, महासागर कैसा अनंत है, तो इस अनंत में, इस महासागर के अंदर में दोनों है, सीमित लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, परिमित एंड अपरिमित, दोनों भी इस महासागर के अंदर में है। ऐसा नहीं कि इस महासागर में सिर्फ अनलिमिटेड ही है, परिमित लिमिटेड एंड अनलिमिटेड दोनों भी है इस अनंत में, महासागर में परिमित और अनलिमित दोनों सम्मिलित है। और फिर बाबा बोलते हैं कि ये सवाल उठता है, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग कि ये जो प्रथम लहर जो आई यह सीमित थी या असीमित थी, अब क्या मालूम, पर जवाब तो देना ही है उनको, तो बताना है वो सीमित है असीमित थी। अवतार जब भी आते हैं तभी उन्हें मालूम रहता है कि 1400 साल के बाद में जब मैं आऊँगा तो उसके बीच में एक क्या मेरे लिए, मेरे बारे में क्या पूछेंगे, उसका जवाब वो ऑलरेडी दे देते हैं, कहीं ना कहीं उनके इसमें लिखा हुआ रहता है या वो बताते हैं सब कुछ। और इसीलिए क्या यह पहले फिर वही बात है, क्या पहले ये सीमित थी और बाद में अनलिमिटेड हो गई, या दोनों पहले अनलिमिटेड थी और बाद में सीमित हो गई, क्या है इसके बारे में ये लहर क्या है, व्हाट इज दिस लहर। तो एक जगह बाबा ने ये कहा है कि वो लहर है जो तुम्हारे सब में है, हमारे सब में है, वो पत्थर योनि में जो दगड़ है उसमें भी वो लहर है, और वो जो छठवें प्लेन का जो संत है उसमें भी वो लहर है। वो लहर थी अपने आप को, खुद को जानने की कि मैं अनंत हूँ, ये जो आंसर है, ये क्वेश्चन जो अपना था हु एम आई, उसका ये आंसर है मैं अनंत हूँ, ये ज्ञान या ये अनुभव जो है हमको इस मानव रूप में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, एक बार शरीर छोड़ने के बाद में नहीं, अभी यहीं। और इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो लहर थी ये पहले सीमित थी बाद में अनलिमिटेड हो गई, या अनलिमिटेड ही थी और वो अनलिमिटेड ही रह गई, क्या था उसका। तो आगे वो कहते हैं कि यह अत्यंत सीमित परिमित यह लहर, यह उस अनंत महासागर में थी जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो क्या कहते हैं, यह अत्यंत, यह परमात्मा जो है पूरा, ये गॉड जिसको हम लोग कहते हैं, महासागर जो है, और यह अत्यंत, बाबा कहते हैं कि यह लहर पहले कैसी थी, यह अत्यंत सीमित थी, लिमिटेड थी, और यह परंतु यह प्रथम लहर अनंत की लहर थी, परमात्मा की लहर थी। परमात्मा कैसा है, परमात्मा अनंत है, वो सीमित नहीं है, उसकी लहर भले ही सीमित हो पर वो सीमित लहर किसकी थी, वो सीमित लहर वो परमात्मा की सीमित लहर थी, और परमात्मा की सीमित लहर जो थी उसको अनंत होना ही होना है, भलाई वो इनिशियली
सीमित हो, पर अनंत परमात्मा की लहर होने के वजह से वो अल्टीमेटली बाद में वो अनंत हो गई और उसको होना ही है अनंत। यह परिमित लहर, सीमित जो लहर है, वह अनंत महासागर की वह लहर थी, और अनंत की इस लहर जो परमात्मा में ही अंतर्हित है, परमात्मा में ही वह, परमात्मा से ही वह एक रूप है, बोलो परमात्मा में ही है, वह अत्यंत परिमित लहर का मैनिफेस्टेशन, लहर लिमिटेड लहर का मैनिफेस्टेशन अनंत है। भले ही वो लहर सीमित है पर उसका मैनिफेस्टेशन इनफाइनाइट है, और इसीलिए इसका ये हिंदी में मराठी में उसका अपन क्या मेंट होता है, मैनिफेस्ट प्रगटीकरण, प्रगटीकरण, उसका प्रगटीकरण अनंत है। और उसका प्रगटीकरण कौन सा है, तो ये सारा विश्व जो दिखाया गया, ये सारा विश्व, ये अनलिमिटेड नहीं है, हाई ये लिमिटेड है, परंतु लिमिटेड होने के बावजूद भी उसका प्रगटीकरण कैसा है, अनंत है, अनंत है, अनलिमिटेड है। और इसीलिए इस परिमित लहर, जो सीमित लहर जो है, उसका आविर्भाव जो है, मतलब मैनिफेस्टेशन जो है, वो अनंत है। ये असीमित महासागर के अंतर्गत एक बिंदु तक सीमित था पहले, शुरुआती में यह जो है वह एक बिंदु तक ही सीमित था, उसके आगे नहीं था, जिसको हम लोग क्रिएशन पॉइंट बोलते हैं, या हम लोग उसको ओम बिंदु बोलते हैं, और कोई और नाम होगा तो अभी याद नहीं आ रहा मेरे, मेरे बाबा ने उसको बोला क्रिएशन पॉइंट, हम लोग उसको बोलते हैं ओम बिंदु, जहाँ से ये पूरी सृष्टि का निर्मिति हो गई, ये हम लोग कहते हैं नॉर्मली। और इसीलिए ये महासागर में अंतर्गत एक अनंत सीमित, मतलब परिमित बिंदु तक ही यह सीमित था पहले, किंतु यह अनंत सीमित परिमित अंतरहीन ये प्रथम लहर के आविर्भाव का, मतलब मैनिफेस्टेशन का, यह अत्यंत परिमित बिंदु जो अत्यंत सीमित था, अत्यंत अनंत महासागर के अंदर में असीम ऐसा ये जो महासागर में, उसमें ये था और उसमें है और उसी में ये रहेगा। इसीलिए हमेशा ये दिखाया जाता है किसी भी यहाँ पे कि महासागर कितना है और ये कितना है, देखो ये बाबा समझा रहे। मैनिफेस्टेशन किसका होता है, परमात्मा जो अनंत अविभाज्य है, अपन प्रार्थना में कहते हैं, ये जितना भी मैनिफेस्टेशन हो गया है, बाबा बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में उसको कहते हैं कि ये जो प्रगटीकरण जो हुआ है मेरा, ये कैसा है, ये एक इट्स जस्ट स्प्लेंडर ऑफ माय इनफाइनाइट स्टेट ऑफ गॉड। ये मेरा वैभव जो तुम देखते हो, ये सारा ब्रह्मांड देखते हो, ये मेरा वैभव है। पर ये है कैसा, जो मेरा अपना खुद का जो अस्तित्व जो है, रियल एग्जिस्टेंस है, उसका ये एक बिंदु है जो आप देख रहे हो, ये सारा ब्रह्मांड। तो बाबा कभी कभी उनको लेके जाते थे अपने मंडली को कश्मीर में इधर उधर वो दिखाने के लिए, तो वो लोग बड़े बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सब देखते थे इधर उधर उधर। तो बाबा बोलते, मैं तुमको कोई पिकनिक के लिए थोड़ी लाया हूँ यहाँ पे, मैं तुमको इसलिए लाया हूँ कि ये देखने के बाद में एक बार अगर तुम मुझे देख लोगे तो तुमको ये देखने की इच्छा नहीं निर्माण होगी, इसीलिए मैंने तुमको ये लाया है घुमाने के लिए कि तुम्हारा जो इच्छा है, वासना जो है, जो भावना जो है,
वो डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये सारा का सारा जीरो है, इसका मुझे ज्ञान है, मुझे मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम। पर मैं इसीलिए मैं तुमको यहाँ लाया कि ये देखो, और उसके बाद में मुझे देखना। इनके देखने के बाद मुझे जब देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि सही में अगर मेहर बाबा का अगर असली रूप का एक ड्रॉप भी हमको अगर देखने को मिल गया तो ये सारा ब्रह्मांड देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए ये जो लहर थी यहाँ से आगे हम लोग जब भी चलेंगे तो फिर आगे आगे जैसे जैसे आएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। और यह लहर जो अत्यंत सीमित थी पहले हमने देखा, पर वो परमात्मा की लहर थी, और इसीलिए इसका प्रगटीकरण जो है इस अत्यंत परिमित बिंदु के द्वारा। अब वो लहर परिमित है तो उसका बिंदु तो थोड़ी बड़ा होगा, वो तो यहीं से छोटा ही होगा, छोटा सा है। परिमित बिंदु के द्वारा अनंत छाया क्रमशः प्रकट हुई। जब भी यहाँ से मैनिफेस्टेशन हुआ परमात्मा का, तो वो परमात्मा की छाया है, परमात्मा नहीं है। बोलते ये सारा विश्व जो है वो मेरा अपना मैनिफेस्टेड जो ये विश्व जो है वो एक छाया है, मेरी छाया है। और इसीलिए वो है, इसीलिए सारे अवतार सद्गुरु बोलते हैं कि ये गंदगी है, इस गंदगी से मैं तुमको बाहर निकालने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास में जितने भी जे अनवांटेड तुम्हारे जितने भी संस्कार है, अनवांटेड जितनी भावना है, इच्छा जो है, जो इग्नोरेंस है तुम्हारे पास में, वो तुम मुझे दे दो, यही टाइम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारा स्वीकार करूँगा, कोई साधु संत तुम्हारा स्वीकार नहीं करता। अगर तुम तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता। उसके पास में जो सिलेक्टेड लोग रहते हैं उनको वो देते हैं, पर अनसिलेक्टेड जो है, जो ये है कि जिनको कोई सहारा भी नहीं है, उसको भी वो बेचारा एक्सेप्ट कर लेता है। बोलते तुम जैसे भी हो, परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन, परमात्मा अवतार परफेक्शन है, हम बोलते तुम्हारा ये इम्परफेक्शन जो है, अपूर्णता जो है, वो तुम मुझे दे दो, यही टाइम है। 100 साल के बाद में तुम्हें वो चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि ये हम लोग जितने गड़े मुर्दे जो है, क्योंकि ये शरीर जाने के बाद में मुर्दा ही हो जाता है, उनको खोद खोद के वो परमात्मा बाहर निकालता है अवतार, और हम लोगों को वो देता है जो उसको उनको हमको देना है। हमारी चिंता उसको ज़्यादा रहती है, पर हमको उसकी चिंता नहीं रहती, दैट इज़ 100%। और हमको ये स्वीकार करना चाहिए। हम अपने ही इस होशियारी में रहते हैं कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, बस इसी में हमारा जितना भी सत्यानाश होना है वो उसी में हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए क्यों सद्गुरु अवतार की संबंध होना चाहिए, इसका ये रीज़न है कि वहाँ अगर तुम जाओगे तो तुम अपने आप को भूल जाते हो। समाधि के अंदर में जो जाता है वो भूल जाता है, उसको उसके मन के अंदर में कभी कोई विचार नहीं आएगा, घर का दार का इधर का कुछ नहीं, बिल्कुल वो एक पॉइंटेड जो है वहाँ पे। और उस वक्त में जब ये अपना माइंड जो है वो शांत हो गया कंप्लीट कि उसमें कोई विचार नहीं है, उस वक्त में अवतार मेहर बाबा अपना कार्य करते हैं। और जो कुछ भी तुमको देना है लेना है, उनका जो भी हिसाब किताब हर आदमी का होगा, वो हर आदमी का हिसाब किताब बाबा वो करते हैं। आगे में चलते हैं। और इस प्रकार से इस प्रथम लहर जो है कि इस प्रथम लहर के मैनिफेस्टेशन से इस अत्यंत परिमित बिंदु जो था वो ओम पॉइंट है, जो क्रिएशन पॉइंट हम जो बोलते हैं, और ये अनंत छाया जो है वो निर्माण हो गई। यह छाया मतलब इस सत्यता की, परमात्मा मतलब रियलिटी ट्रूथ, इस सत्यता की, इस सत्यता की अवस्था के अंदर में जो परमात्मा है, यह छाया जो है वो भी अनंत है, क्योंकि परमात्मा अनंत है तो उसकी छाया भी अनंत होगी। और इसीलिए यह सारा विश्व पूरा क्रिएशन जो है वह क्रमशः जो मैनिफेस्टेशन हुआ यहाँ पे,
वो मैनिफेस्टेशन इस ओम बिंदु से जो हुआ, इसमें से यह छाया आगे आगे बढ़ती गई, उसका एक्सपेंशन होते गया अनंत अनंत। और यह जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, हजारों करोड़ों जितने सूर्य है, ग्रह है, ये है वो है, इसको कोई गिन नहीं सकता है ना। बाबा बोलते ना मैं भी गिन पाया, उपासनी महाराज के साथ में जब भी था दोनों ने ट्राई किया गिनने का कि कितना है, तो उपासनी महाराज गिर गए और मेहर बाबा ने ट्राई किया तो वो भी फेल हो गए। तो उपासनी महाराज बोलते तुम भी मत करो, छोड़ दो इसको, जो भी है ऐसे है वो परमात्मा की अनंत छाया। कठिन है विषय, समझने में भी कठिन है, बताने में भी कठिन है, कितना समझेगा मालूम नहीं है। पर बाबा बोलते हैं कि समझो या नहीं समझो, यह जो शब्द है यह तुम्हारे कान के ऊपर में गिरना चाहिए, ताकि हो सकता है अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, कभी ना कभी तो भी आएगा। अच्छा है अगर ये जन्म में आता है। आज का अपना टाइम हो गया है, यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि यह जो अनंत छाया जो परमात्मा की निर्माण हो गई, उसका आगे क्या हुआ और आगे क्या एक्सप्रेशन देते। अवतार मेहर बाबा की जय, उसमें टिक करो बरती। Thank you.